जय हिंद प्यारे साथियों, आज पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान। ठीक है, सामान्य विज्ञान जानेंगे, सामान्य विज्ञान के बारे में। कल जो हमने कुछ जानकारी पढ़ी थी, जैसे बीमाएं, भौतिक विज्ञान क्या है, इस पर पढ़ी थी। ठीक है, आज पढ़ेंगे इसके जो है मात्रक पद्धति। ठीक है, मात्रक और पद्धति पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मात्रक जो है पद्धति पढ़ेंगे। तो डालिए मात्रक पद्धति, मात्रक पद्धति पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? मात्रक और पद्धति पढ़ेंगे। ठीक है, समझिए। अगर बात करें सीजीएस मात्रक पद्धति, सीजीएस मात्रक पद्धति, ठीक है, सीजीएस मात्रक, क्या मात्रक और पद्धति, सीजीएस मात्रक और पद्धति। आज सीजीएस मात्रक और पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। क्या करेंगे? सीजीएस मात्रक और पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखिए, सीजीएस मात्रक पद्धति, इसे बोलते हैं सेंटीग्राम जो है, बोलेंगे सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। सेंटीग्राम सेंटीमीटर सेकेंड ग्राम पद्धति, ठीक है, इसे बोलेंगे। इसमें क्या होता है? लंबाई समय जो होता है, लंबाई समय, ठीक है, और द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर में होते हैं। लंबाई के मात्रक जो है क्रमशः किसमें होते हैं? सेंटीमीटर में होते हैं। एफपीएस में देखिए, एफपीएस में, एफपीएस का क्या मतलब है? जिसे बोलते हैं फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड, जिसे बोलते हैं फुट पाउंड सेकंड बोलते हैं। ठीक है, इसका मात्रक पद्धति है, इसका मात्रक पद्धति लंबाई द्रव्यमान तथा समय, लंबाई द्रव्यमान तथा समय, इसके जो है मात्रक है। एमकेएस पद्धति में देखिए, एमकेएस पद्धति में क्या है? इसमें है मीटर किलोग्राम सेकंड। ठीक है, मीटर किलोग्राम ग्राम सेकेंड, ठीक है, सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड होते हैं। इसमें क्या होता है? लंबाई द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः मीटर किलोग्राम और सेकेंड होते हैं। लंबाई के मात्रक क्रमशः जो है मीटर सेकेंड किलोग्राम होते हैं। एसआई मात्रक देखिए, एसआई मात्रक, ठीक है, एसआई मात्रक जो है अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति, एसआई में है मात्रक, अंतरराष्ट्रीय मात्रक और पद्धति है। तो लंबाई को किससे व्यक्त करते हैं, समझिए, लंबाई को किससे व्यक्त करेंगे? लंबाई को किससे व्यक्त करते हैं? मीटर यानी एम से, ठीक है, लंबाई को मीटर यानी एम से, और आपका द्रव्यमान को किससे व्यक्त करते हैं? द्रव्यमान को किलोग्राम से व्यक्त करते हैं। ठीक है, द्रव्यमान को भी आपका किलोग्राम, केजी जिसे बोलते हैं, केजी किलोग्राम शॉर्ट में, ठीक है। समय को सेकेंड विद्युत धारा को किससे व्यक्त करेंगे? एम्पियर से, विद्युत धारा को एम्पियर से, ठीक है, विद्युत धारा को एम्पियर से व्यक्त करेंगे। किससे व्यक्त करेंगे? विद्युत धारा एम्पियर यानी ए से। आगे देखिए, विद्युत धारा एम्पियर यानी ए से, और ताप को किससे व्यक्त करेंगे? ताप को केल्विन के से, ठीक है, और आपका है ज्योति तीव्रता कैंडेला सीडी से, इसे बोल व्यक्त करेंगे कैंडेला सीडी, जिसका सॉल्व करा, ठीक है, सीडी पदार्थ की मात्रा जो है मोल से,
पदार्थ की मात्रा कितनी है, तो उसे किससे व्यक्त करेंगे, मोल से, मोल करते हैं ठीक है, मोल से जिसे एम ओ एल बोलते हैं मोल ठीक। अब समझिए लंबाई है, जैसे लंबाई है, जैसे यहाँ से वहां तक जाने में या 4 किलोमीटर है 5 किलोमीटर में, तो उसे किस में व्यक्त करें, मीटर में ठीक है, लंबाई को मीटर में, जैसे जैसे मतलब 4 किलोमीटर है तो उसे मीटर में ही तो नापा गया होगा, तभी तो उसमें 4 किलोमीटर हुए हैं ठीक है, तो उसी हिसाब से लंबाई को मीटर में नापते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है एम ठीक है, शॉर्ट फॉर्म जो है वो एम है, लंबाई को मीटर से नापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम। अगर कोई वस्तु है, जैसे आप मार्केट गए वहाँ से, मतलब आपने सब्जी ली या गए दुकान पे वहाँ से चीनी ली, 2 किलो ली या 4 किलो ली, तो उसे किससे मतलब द्रव्यमान हुआ, तो उसे किससे केजी यानी या द्रव लिया आपने, जैसे द्रव्यमान में जैसे दूध है या तेल है कुछ भी चीज़ ली, तो आपने उसे वजन किया, तो उसने वजन किससे किया, केजी से। अब तो उसमें केजी आ गया, अब तो उसमें वो कांटे आ गए इलेक्ट्रॉनिक वाले, उससे भी वजन बढ़ जाता है, उसमें तो क्या करते हैं वजन जो है कम ज़्यादा उसमें कर लेते हैं, केजी हो गया, इसे केजी से शॉर्ट फॉर्म में व्यक्त करेंगे ठीक है। समय को आप वहाँ से गए, यहाँ से गए घर तक या यहाँ से लखनऊ गए, मतलब कहीं गए ठीक है, तो आपके बीच में जो समय 2 घंटे या 3 घंटे लगाए, तो उसके माध्यम से जो घड़ी चलेगी वो सेकंड के माध्यम से ही बताएगी, किसके माध्यम से, सेकंड के माध्यम से ही बताएगी, तो उसे समय को सेकंड से व्यक्त किया जाता है। विद्युत धारा, अब मान लो आपने पंखा लगाया इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, उसमें जो धारा है आपने जो तार डाला है एल्यूमिनियम या किसी भी का कॉपर का, तो उसके भीतर जो धारा प्रवाहित होगी तो वो एम्पियर के माध्यम से प्रवाहित होगी, उसे एम्पियर बोलेंगे ठीक है। जो धारा प्रवाहित होगी जैसे आपने तार डाल दी, ये मतलब यहाँ से आपका स्विच है, स्विच आपने यहाँ से जो है फैन बना दिया ठीक है, फैन ठीक है, उस हिसाब से इसमें घूमेंगे ठीक है, तो यहाँ से धारा प्रवाहित होगी इस पंखे से, इसमें आएगी ठीक है, इसमें आएगी ठीक है, पंखे में आएगी, इसमें 3 होते हैं 5 नहीं होते हैं ठीक है, तो इसमें धारा प्रवाहित होगी, तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं। तार समझिए, जैसे मई जून में जुलाई में जो है धूप काफ़ी होती है, और या मतलब जैसे सर्दी में आपको ठंडी लगे तो आग आप जला दें तो ताप उत्पन्न होती है, यानी गर्म, जिसको मतलब बाष्प बोलते हैं, गर्म एनर्जी ऊर्जा ठीक है, ऊर्जा ताप उसे बोलते हैं, उसे केल्विन से व्यक्त करते हैं। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता यानी ज्योति है, जैसे अब आप उसे समझ लीजिए, ज्योति तीव्रता जैसे मोमबत्ती जिसे कैंडिला बोलते हैं, उसमें ज्योति ऐसी निकलती है ठीक है, वो समझ लीजिए कैंडिला ठीक है, इसे कैंडिला से व्यक्त करते हैं। 25 दिसंबर को लोग कैंडल निकालने जाते हैं, कैंडल लेने जाते हैं, जो 25 दिसंबर क्रिसमस डे मनाया जाता है उसमें कैंडल जो है किया जाता है, तो उसी हिसाब से समझ लीजिए क्या है कैंडिला। पदार्थ की तीव्रता, पदार्थ है उसकी जो मात्रा है उसे किससे, मोल से व्यक्त करते हैं, पदार्थ है पदार्थ की मात्रा को मोल से व्यक्त करते हैं, तो उसे एम बोलते हैं ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास आप लोग कैसे लगी, जल्दी से कमेंट करके जरूर आप लोग बताएं, और जो लोग नए हो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, कमेंट करके जरूर बता दिया करें।